हमारा किधर 9 बजे निकलने का प्लान था, अभी 11 बज रहे हैं। बारिश की वजह से थोड़ा शेड्यूल हिल गया हमारा। हम होटल रॉयल मिलाद में रुके हुए थे, वहाँ से बस 5 मिनट के डिस्टेंस पे है ये जीरो ब्रिज। ये कोई प्रॉपर टूरिस्ट स्पॉट तो नहीं है, हमें अच्छा लगा तो हम ऐसे ही रुक गए फ़ोटो वोटो खींचने के लिए। पूरा ब्रिज पाइन ट्री के लकड़े से बना है और इसकी उम्र लगभग 100 साल के आसपास होती है। झेलम नदी के ऊपर जो ये 160 मीटर लंबा ब्रिज है, वहाँ से तो व्यू एक नंबर है। आप श्रीनगर में घूमने आएंगे तो 10-15 मिनट ज़रूर निकल लेना इस स्पॉट के लिए। हमने तो शाम का व्यू देखा नहीं, पर वो लोग बता रहे थे कि शाम में लाइट्स में तो और ब्यूटीफुल व्यू होता है। ये मेरा दोस्त है, ये भी वीडियो निकल रहा है। ये दो कश्मीर की कलियां बारिश से बचते हुए। नौवीं सदी में बनाया गया डल लेक से बस 10 किलोमीटर की दूरी पे है ये शंकराचार्य टेम्पल। वहाँ पे फोन कैमरा कुछ भी लेके जाना अलाउड नहीं है। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात, मंदिर पहुँचने को पत्थर से बनाई हुई लगभग 250 सीढ़ियाँ हैं। जिनको चलने की तकलीफ है वो थोड़ा मेंटली प्रिपेयर रह के चले। हम जब चढ़ रहे थे तभी हम भी थोड़ा थक गए थे। वहाँ पे घूमने का सबसे बेस्ट टाइम मेरे हिसाब से सुबह 9 से 11 तक का है। यहाँ पे कुछ गानों की शूटिंग भी हुई है, कमेंट बॉक्स में बताएं अगर इन गानों का आपने पहचान लिया तो। हम लोग अभी जा रहे हैं चश्माशाही गार्डन और परी महल। टाइम मिला तो एक दो गार्डन भी और कर लेंगे हम। यहाँ पे मोस्टली सब जो टूरिस्ट स्पॉट है सब डल लेक के आसपास ही है। ट्रैवलिंग में अगर आपको टाइम बचाना है तो डल लेक के पास वाले होटल बुक कर देना। ऑन द वे हमें एक चेक पोस्ट लगा और वहाँ पे एयरपोर्ट के जैसे सब बैग्स छोटे बड़े को बेल्ट पे रख के स्कैन किया। यहाँ पे अल्कोहल इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। हमारे आगे ग्रुप था, उनके बैग में से एक बोतल निकली तो उसको कॉन्फिस्केट कर लिया। अच्छा चलो, ये हमारे दोस्त लोग बिना टिकट के अंदर जाना चाहते थे, हमको पकड़ा गया है। अपने नागपुर के अजय देवगन, चश्माशाही गार्डन जिसका मतलब ही होता है रॉयल स्प्रिंग, वहाँ पे एक नेचुरल वाटर स्प्रिंग है। हमारे ड्राइवर बोल रहे थे कि अगर आप यहाँ पे पानी पियोगे तो आपको थोड़े टाइम में बहुत भूख लगेगी और आप जम के खा पाओगे। पहले तो हम लोग ज़रा डाउटफुल हुआ कि ये मस्ती वस्ती कर रहे हैं कि क्या, फिर हमने बाकी लोगों को पानी पीते हुए देखा तो हम लोग ने क्या फटफट बोतलें खाली कर दी और पानी भरना चालू कर दिया। अभी ये पानी हम पियेंगे सब लोग, भर दे पूरा। चार लोग 6 लोग पीने वाले हैं, पूरा भर गया, बहुत फास्ट है पीने का। ये ना पक्का तो गाइस कैसा लगा आपको चश्मे बार? तो लाइक करिए, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करना मत भूलिए दोस्तों के साथ, शेयर करो। हाँ डाल दे, डाल दे।
हाँ ये कर लो पहले, पानी पियो भूख लगेगी, पानी पियो भूख लगेगी, पानी पियो भूख हम लोग एक दो तीन चार परिमल तुम मानते हो, तो मानते हो ना कि तुम टाइम पास करते हो, पर ते फुल बक लाल वाला हो जाऊ जाऊ सगळे कडे जाऊ, जरा धीर धरा ये है परिमल टॉप पे पीछे है हमारे डल्ले के थोड़ा नेचुरल एक्टिंग करना कैमरे में देखेगा वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। ये परिमहल से व्यू है आप देख सकते हैं नीचे किसका तो गेस्ट हाउस है हेलीपैड है आगे आगे ये जो है हेलीपैड है ये वाला ये हेलीकॉप्टर है ये जो है वो पूरा गोल्फ कोर्स है ये पूरा पूरा यहाँ पे लॉर्ड जैसा कुछ दिख रहा है ये पूरा डल लेक है व्यू अभी बारिश यहाँ पे बहुत है तो पूरा फॉग फॉग हो गया है यहाँ से फोटोज बहुत मस्त आती है ये परिमल का टॉप है वहाँ से फोटो बहुत मस्त आती है हमने डे थोड़ा लेट स्टार्ट किया था बट एंड जल्दी कर दिया। एक प्रो टिप है आप हाउस बोट में 4-4:30 तक पहुंचने को ट्राई करना, वहाँ पे मस्त सनसेट देखो, माहौल बनाओ, रिलैक्स करो, बालकनी में बैठ के कश्मीरी स्पेशल कहवा पियो। बहुत लोग ज़्यादा स्पॉट्स कवर करने के चक्कर में घाई घाई करते हैं बट आप यहाँ कश्मीर की ब्यूटी इंजॉय करने आए हो ना कि किसी को स्पॉट्स गिनवाने। आप श्रीनगर आ रहे हो तो हाउस बोट में पक्का रुकना, बट आप जिसके थ्रू भी हाउस बोट बुक करोगे उनको ये इन्फॉर्मेशन स्पेसिफिकली पूछना, क्योंकि हाउस बोट दो टाइप्स के होते हैं, एक हनीमून स्वीट जहाँ पे हम लोग रुके हैं और दूसरा होता है एक कॉमन हॉल जहाँ पे सब लोगों को शेयर करना पड़ता है वो, और वो उस हाउस बोट में 5-6 बेडरूम्स होते हैं। It's hard to breathe, but that's alright.